परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला की पत्नी और पूर्व में जिला प्रमुख रह चुकी डॉक्टर राजबाला ओला की सादगी की चर्चा झुंझुनू में हो रही है। जो वीआईपी कल्चर छोड़कर सादगी के साथ परिवहन कार्यालय में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पहुंची। दरअसल उनके पति विजेंद्र ओला हाल ही में परिवहन मंत्री बने हैं। वे चाहती तो इस लाइसेंस रिन्यू कराने में वे वीआईपी कल्चर अपना सकती थी, लेकिन वे बिना किसी को सूचना दिए पहले तो नियम कायदों के मुताबिक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया और फिर बिना कोई तामझाम के अचानक झुंझुनू के परिवहन कार्यालय पहुंच गई। उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना ऑनलाइन फोटो खिंचवाया और बाद में डिजिटल हस्ताक्षर किए। तब तक किसी को भनक नहीं लगी। जब वे डिजिटल साइन कर जाने की तैयारी में थी, तब डीटीओ डॉक्टर मखनलाल जांगिड़ को सूचना लगी। वे जल्दी से पहुंचे भी, लेकिन तब डॉक्टर राजबाला ओला जाने की तैयारी में थी। पूर्व जिला प्रमुख रही डॉक्टर राजबाला ओला को चाय पानी की भी डीटीओ ने पूछा, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के आवभगत के लिए मना कर दिया और कहा कि डीटीओ साहब, आप अपना काम करो, मेरे लिए आने पर कई लोगों को आपका इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वे तुरंत ही चली गई। इस मौके पर डॉक्टर राजबाला ओला ने कहा कि उनके पति और परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी नियम कायदों से चलने वाले सादगी पसंद व्यक्ति हैं, इसलिए वे भी नहीं चाहती कि वे कोई भी वीआईपी कल्चर अपनाएं। साथ ही सामान्य नागरिक की तरह आने पर ही उन्हें धरातल की सच्चाई भी पता चलेगी, लेकिन उन्हें यहाँ किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, यह देखकर खुशी हुई। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कहा कि वे एक आम नागरिक की तरह समय समय पर अपने पति को जरूर सुझाव दे सकती है, क्योंकि वे अक्सर बस, रेल और ऑटो में सफर करने से परहेज नहीं करती, इसलिए कुछ परेशानियां उन्हें पता है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को प्राथमिक तौर पर भी सभी ट्रैक्टरों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा जो ओवरलोड ट्रक पर कार्रवाई होती है, उसमें ट्रक मालिक और जिस कंपनी का माल है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ओवरलोड या तो ट्रक मालिक करवाता है या फिर कंपनी करवाती है, लेकिन कार्रवाई के बाद सफर उसके चालक और खलासी करते हैं, इसलिए इस दिशा में कोई कदम उठाने की जरूरत है। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव विद्याधर सिंह जियाणी, जयसिंहपुरा तथा मुकेश कुमार भी मौजूद थे। डॉक्टर ओला अपनी निजी गाड़ी से ही डीटीओ कार्यालय पहुंची थी। मेरे को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना था तो फोटो कराने आई। अभी मैंने व्यवस्थाएं कोई नहीं देखी, मैं तो अपना एक आम नागरिक की तरह जो है वो फोटो खिंचाने आई थी, क्योंकि परिवहन मंत्री जी जो है वो नियम कानून कायदे बहुत मानते हैं, इसलिए एक। लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह और एक प्रोफेशनल लेडी की तरह तो बहुत ज़्यादा कई सुझाव दूंगी इनको समय समय पे। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवहन विभाग है ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और आम आदमी से जुड़ा होने के कारण साथ साथ एक और भी बात है इसमें कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा योगदान देता है। आम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उनका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। नियम कानून कायदे ऐसे बनाए कि ये एफिशिएंटली इनको डील करे, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर को रोक के 6-6 दिन तक वो बैठा रहे, ओवरलोडिंग है, कंपनी का ने गलती करी है, लेकिन बेचारा एक खलासी और एक ट्रक ड्राइवर रास्ते में खड़ा रहे, वो गलत है। एक जैसे अपने ट्रैक्टर हैं, इन पे रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए, एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण ये भी रह जाता है। तो किसी तरह से इन ट्रैक्टरों पे, टू व्हीलर्स पे और जो भी थ्री व्हीलर्स हैं, इन पे रिफ्लेक्टर हों, जिससे रात को जो है वह एक्सीडेंट्स की संभावना कम हो। और समय के अनुसार मैं अपने हस्बैंड को सुझाव भी दूंगी एक आम नागरिक की तरह, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो बस में और ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करती हूँ और थ्री व्हीलर में भी आती हूँ, इसलिए मुझे इन सब की समस्याओं के बारे में बहुत जानकारी है।